एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने करी है स्टार सीरीज, जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस सीरीज़ का नाम है आपका केमिस्ट्री सुपर सीरीज़। तो ऑलरेडी हम इसके 19 लेक्चर ले चुके हैं। आज अब इस सीरीज़ का आता है लास्ट लेक्चर। अब मैं आपको बता दूं, इस सीरीज़ में आपको सारे जो लेक्चर हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में हैं। और ये सीरीज़ जो भी आपके टैट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या केमिस्ट्री जहाँ पे भी आपको पढ़नी होती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है, तो वहाँ पे ये बेनिफिट होने वाली है। रही बात एचपी टैट, वो तो आप इजीली क्लियर कर ही लोगे अगर आप इस कंप्लीट सीरीज़ को देख लेते हो। बाकी ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी बायोलॉजी की क्वेश्चंस एंड 6 to 10th तक कंप्लीट ओवरव्यू भी, एंड साथ में चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। अगर बेसिक से आप चीज़ें करोगे तो आपकी ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म तक भी रहती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज। सो आपका क्वेश्चन आता है आज का, द वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द गैस लॉ, द कॉन्स्टेंट बी इज मेजर ऑफ। कॉन्स्टेंट जो बी है वो किसके लिए मेजर किया जाता है? तो देखिए, आपको पता है PVnRT, ये है आपके आइडल गैस। हमेशा आइडल गैस नहीं रहती है, थोड़ा सा चेंज आता रहता है, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉपर ही सारी चीज़ें आइडल नहीं रहती हैं। तो जो आपका वंडरवॉल इक्वेशन बनती है, जिसमें करेक्ट होता है, थोड़ी सी करेक्शन आती है, तो उसमें जो बी की वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बोला गया है। तो बी की वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है इसमें, वो आता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंजमेंट ऑफ ए Cl नेगेटिव आयन इन CsCl स्ट्रक्चर। Cl नेगेटिव CCl स्ट्रक्चर में तो वो कैसा होता है? देखिए, पिक्चर में देखेंगे कि आपका ये बनता है CsCl का स्ट्रक्चर। जो Cl है वो कैसा है? तो Cl जो बनता है वो आता है आपका सिंपल क्यूबिक, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एटम इज अ लीस्ट पोलराइजेबल। कौन सी जो इसमें गैसेस है वो लीस्ट पोलराइजेबल है? तो आपको पता है जैसे कि साइज इंक्रीज करता है तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो हीलियम जो आता है वो आपका सबसे ऊपर आता है पीरियोडिक टेबल में, जो आपका ग्रुप 18 है उसमें सबसे पहले आता है, फिर आता है नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर ज़िर्नॉन। तो हीलियम जो आता है आपका वो सबसे ऊपर है, तो आपको बोला है लीस्ट बोला है। अगर बोला जाता है सबसे ज़्यादा तो ज़िर्नॉन आता, बट इसमें बोला गया है लीस्ट, तो आपका हीलियम, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट केमिकल कंपाउंड ऑफ ए नोबल गैस प्रिपेयर बाय। जो फर्स्ट नोबल गैस है जो केमिकल कंपाउंड की, वो किससे बनी है? तो देखते हैं, देखो केमिनिस ने डिस्कवर किया था आपका हाइड्रोजन, वर्नर ने डिस्कवर किया था मेटल प्रोसेस की थ्योरी दी थी, 2 टाइप्स की वैलेंसी बताई थी, प्राइमरी आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी आयनाइजेबल वैलेंसी के बारे में इन्होंने बताया था। बर्जीलियम में देखो आप, इन्होंने थोरियम, सिलिकॉन, सेलेनियम की डिस्कवरी की थी। फिर आता है बेरिट, इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट केमिकल कंपाउंड दिया था नोबल गैसेस का, और कौन सा आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, XePTF6। तो ये ध्यान रखना, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्राइड्स आयन इज एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद। आइसोइलेक्ट्रॉन का मतलब है सेम नंबर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम आयन, तो वो रहते हैं आपके हीलियम के। देखो पॉजिटिव का मतलब होता है उसने दे दिया, नेगेटिव का मतलब होता है उसने ले लिया, तो हाइड्रेट का रहता है HE, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लैथरेट ऑफ XE विद वाटर, द नेचर ऑफ ए बॉन्डिंग बिटवीन ए XE एंड H2O। क्लैथरेट्स होते हैं जो ज़िनॉन के, वो कैसे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ? तो वो जो होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है वो होती है डायपोल इंड्यूस डायपोल टाइप की, ठीक है, कौन सी होती है, डायपोल इंड्यूस डायपोल की, क्योंकि जो वाटर है तो फ्रोजन होता है हाई प्रेशर ऑफ ए गैस एंड नेचुरल बॉन्ड बनाता है XeNH2 के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एरोजेंस।
एरोजिन्स होता है आपका मेडिसिनल डिवाइस है, कंपनी में डिज़ाइन की जाती है, मैन्युफैक्चर करी जाती है एरोसोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वो होता है आपका जो ग्रुप बना होता है वो होता है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का, हीलियम, आर्गन एंड क्रिप्टॉन इसमें आ गया, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल फॉर क्राइसोस्कोपिक स्टडी। क्राइसोस्कोपिक स्टडी होता है कि बहुत लो टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आता है आपका जो इसमें हेल्प करता है वो आता है लिक्विड हीलियम, यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल फॉर्म आइडल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, सब आइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, कौन सा नहीं करता, तो वो आता है आपका C2H5I एंड C2H3OH, ठीक है, C2H5OH, तो यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ ए मिथेनॉल इन H2O एंड वेपर प्रेशर, एक्व सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल वो क्या होगा, एक्वस प्रेशर कितना होता है जब मिथेनॉल को वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो वो होता है मोर देन हो जाएगा वाटर से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपर सोर्स ऑफ द हीलियम, हीलियम का चीपर सोर्स कौन सा आता है, वो आता है नेचुरल गैस डिपॉजिट, यानी आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स शुड नॉट बी स्टोर इन ए ग्लास और क्वार्ट्ज वेसल्स, कौन सा नहीं किया जाता, तो उसमें से आता है आपका XeF6 जो आता है ये स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है तो इसलिए इसको स्टोर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हीटिंग इथेनॉल विद एक्सेस ऑफ ए कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड टू 170 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोडक्ट ऑप्टेन, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा वो तो देखो इथेनॉल क्या रिएक्ट किया जाता है H2SO4 443 केल्विन में, तो वो बनता है आपका इथीन, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया सही, आपका ऑप्शन आ गया डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफाइंग पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन, कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है पेप्टाइड लिंकेज चेक करने के लिए, देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका बाइसल्फाइड टेस्ट, ये यूज किया जाता है एल्डिहाइड कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है क्या है क्या नहीं है वो चेक करने के लिए, मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए आता है, और फिर आता है आपका निनहाइड्रिन, ये आता है अल्फा अमाइनो एसिड को चेक करने के लिए, ब्यूरेट टेस्ट आता है आपका क्या किया जाता है प्रोटीन पेप्टाइड लिंकेज के लिए, और इसे बोला जाता है पियोट्रोवस्की टेस्ट, क्या बोला जाता है पियोट्रोवस्की टेस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन एल्युमिनियम, कौन सा एल्युमिनियम नहीं कंटेन करता, तो देखिए क्रायोलाइट Na3AlF6 तो इसमें भी एल्युमिनियम है, मीका मीका पॉली सिलकेट होता है इसमें भी होता है, फेल्सफर K2O Al2O3 6SiO2 इसका फॉर्मूला रहता है, तो एल्युमिनियम यहाँ पे भी होता है, आपका आता है फोल्सफर इसका फॉर्मूला होता है CaF2 इसमें आपका एल्युमिनियम नहीं होता, तो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो आइसोटोप्स चेंज विद, रेडियो आइसोटोप्स की एक्टिविटी कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर से होती है, प्रेशर से होती है या केमिकल एनवायरनमेंट से होती है, तो देखिए जो रेडियो आइसोटोप्स होता है रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको पता है, रेडियो एक्टिविटी होती है जब क्या किसने दिया था पहले तो ये समझो, हेनरी बैकवेल ने दिया था, रेडियो एक्टिविटी मतलब एमिशन होती है उसमें रेस की, तो डिवाइस जो मेज़र करती है रेडियो एक्टिविटी को उसे क्या बोला जाता है, किससे काउंट करते हैं, उसका आता है नाम जीगो, ठीक है GEI, ठीक है जीगो काउंटर, ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी डिस्कवरी किसने थी, हेनरी बैकवेल। और आपको होता है एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो आइसोटोप चेंज किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर से, प्रेशर से, केमिकल एनवायरनमेंट से, इनमें से किसी से नहीं होती, यानी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शुगर इज नोन एज ए ग्रेप शुगर, तो ग्रेप शुगर को बोलते हैं आपको
ग्लूकोज को। फ्रक्टोज आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्रूट शुगर बोला जाता है, टॉफीज कैंडीज में आपकी फ्रक्टोज होती है। ग्लैक्टोज डेयरी प्रोडक्ट, शुगर बीट गम्स इसमें होती है। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पोजिस्ट्रोन हैज़ द सेम मास एज। पोजिस्ट्रोन का सेम मास किसके होता है? देखो पोजिस्ट्रोन वैसे तो होता है पॉजिटिव चार्ज, सेम मास एंड मैग्नीट्यूड होता है इसका इलेक्ट्रॉन की तरह। प्रोटॉन आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम के। मीजोन आता है आपका इंटरमीडिएट मास होता है इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का, ट्रांसमिट स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है न्यूक्लियॉन्स की। फिर आता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये टाइप पार्टिकल होता है जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, हाई एनर्जी होती है इसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें पोजिट्रॉन पूछा है तो वो आता है सेम मैग्नीट्यूड का होता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज है, बट पोजिट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल बी फास्टर हाइड्रोलिसिस। किसकी हाइड्रोलिसिस में आपका SN1 का रिएक्शन फास्ट होता है, CH3Br का या CH3 का ट्वाइस CHBr का या CH3 का थ्राइस CBr या C6H5CH2Br। देखो मोर स्टेबल कैटायन होंगे तो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर ग्लास इज केमिकली, वाटर ग्लास केमिकली क्या होते हैं? वाटर ग्लास केमिकली होते हैं सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ए वाइट पिगमेंट, वाइट पिगमेंट के लिए कौन यूज किया जाता है? तो आपका आता है ऑप्शन बी रेनियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड CaCa2, ठीक है, सिलिका, चाइना क्ले, ये भी आपका वाइट पिगमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ए एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होते हैं? देखिए इथेनोइकोइक्स में 1, इथाइल अल्कोहल में 1, ग्लाइकोल में आपके 3 एंड इथाइल ग्लाइकोल में 2। तो देखो कितने सबसे ज़्यादा किस में है, ग्लिसरॉल में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड विच कैन फॉर्म ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस में आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? एक आपको पता है इंट्रामोलिकुलर है, एक होती है इंटरमोलिक्यूल। इंट्रामोलिक्यूल होती है जब दो, ठीक है, क्या होती है जब सेम में होती है, और इंटर होती है जब दूसरे में होती है, बोलते हैं ना इंटर स्कूल कंपटीशन, मतलब दूसरे में, या इंट्रा स्कूल तो एक स्कूल में। तो आ जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन सैलिसाइक्लडिहाइड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इनवर्स शुगर रेफर टू एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, इनवर्स शुगर इक्विमोलर मिक्सचर किसका होगा? तो इनवर्स शुगर आता है आपका सुक्रोज बोला जाता है, इनवर्स शुगर मेड होती है किससे बनी होती है, ये दी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बनी होती है। और सुक्रोज क्या है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों हैं वो क्या है, हाइड्रोलिसिस नहीं होते। तो समझ गए ना, अब इस अब आप कंफ्यूज हो जाओगे इनवर्स शुगर क्या है। इसमें बस आपको याद रखना है, देखो इनवर्स शुगर को आप सुक्रोज बोलते हो तो सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिफिन कैन बी हाइड्रोलाइज बाय, ओलिफिन किससे हाइड्रोलाइज होते हैं? तो वो होते हैं जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होता है? तो इनमें से जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो होता है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड हो गया। उसके बाद होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद आता है आपका कौन सा आ गया एसीटेट, फिर आएगा आपका एसिटामाइड। तो सबसे एक्टिव ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए इंटरस्टीशियल कंपाउंड, तो इसमें से सारे ही होते हैं,
तो ऑल ऑफ दीज। और किस एलिमेंट के साथ होते हैं? हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लिसरॉल इज एन एल्कोहल विच कैन बी क्लासिफाइड एज। ग्लिसरॉल क्या है? इज एन एल्कोहल विच इज क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड होता है ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक स्वीट टेस्ट का होता है एंड क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। आई थिंक आपके कंसर्न, देखो हमने जो कंप्लीट सीरीज बनाई है ये बनाई ही इसी तरीके से है कि आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। और अगर आप इस कंप्लीट सीरीज़ को देख लेते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि टैट वगैरह ये तो आपका इजीली हो जाएगा। और आप, आपको हमने ऑलरेडी हमने एक चीज़ बनाई हुई है, 500 इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन बनाए हैं, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर वो भी देख लो भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा आपको ज़्यादा करना है ना, थोड़ा सा लेवल अगर आप आ जाता है तो आप इस कंप्लीट सीरीज़ को देख लीजिएगा, तो आपका डेफिनेट है आपको बुक्स पकड़ने की ज़रूरत है क्योंकि ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटामाइड गिव। हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिटामाइड की तो क्या देता है? तो देखो एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। हाइड्रोलिसिस हुई तो ये देता है CH3COOH। देखो ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड, यानी आपका ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज नॉट गिव ए बोरेक्स बीड टेस्ट। कौन सा नहीं देता बोरेक्स बीड टेस्ट? तो आपका आता है सोडियम नहीं देता, यानी आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इसके साथ हो गई आपकी कंप्लीट सीरीज, आपके जो हमने बताया था कि 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे। वो कंप्लीट सीरीज़ अब कोई भी देखेगा, जो भी बायोलॉजी कंसेप्ट आता है +1 +2 का, वो सारा वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखिए कंप्लीट सीरीज़ हमने इस तरीके से बनाई है कि आप उस कंप्लीट सीरीज़ को देख लोगे तो एटलीस्ट आपका कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं सारे वो हो जाएंगे उस सीरीज़ को करने की वजह से, और रिवाइज भी हो जाएगा। साथ ही साथ हमने टॉपिक वाइज आपके वो क्वेश्चंस किए, आप ये मत सोचिएगा कि आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे, उसकी वजह से आपके एटलीस्ट 5000 क्वेश्चंस तो कंप्लीट होंगे ही होंगे क्योंकि हम कंप्लीट कंसेप्ट वहाँ पे समझा रहे हैं। साथ ही साथ साइंस की, जनरल साइंस की सीरीज चली है जिसमें कि जनरल साइंस, जैसे कि लाइक आपका सी टैट हो गया, जनरल साइंस कंपिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होता है जिसमें कि जनरल सी साइंस आती है NCERT बेस, तो वो कंप्लीट सीरीज़ आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो।